हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सो आपको बहुत ही जानकारियाँ यहाँ पे मिलेंगी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैं बताऊँगा। सो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है, देन लिम्फ के बारे में, इनके कंपोनेंट्स के बारे में। हार्ट जो है, हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फिशेज के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, देन जो एम्फीबियंस हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्किंग देखेंगे कि हार्ट जो है वो किस तरह से अपनी वर्किंग करता है। इसके अलावा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, इसके बारे में भी देखेंगे। देन ब्लड ग्रुप्स के बारे में देखेंगे कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, ठीक है। ईसीजी के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, ठीक है, कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। और देन हार्ट रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स से। सो एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट ही क्यों होती है? तो हम ये बोलेंगे कि जो सब्सटेंसेस बॉडी में बन चुके हैं, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। सो ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम साइट ऑफ फॉर्मेशन, जहाँ से वो बन चुके हैं वहाँ से टू द साइट ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। मान लो कोई भी कंपाउंड बना हमारी बॉडी में, सो जहाँ पे उसकी फॉर्मेशन हुई है वहाँ से लेकर के जहाँ उस कंपाउंड की रिक्वायरमेंट है उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन द फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाई, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मेनली कौन करता है? ब्लड, लिम्फ, और अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर होता है हीमोलिम्फ। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इज फुलफिल्ड बाय ब्लड एंड लिम्फ। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ब्लड एंड लिम्फ, अगर इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो द आंसर इज हीमोलिम्फ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। उसके बाद हम बोलते हैं कि कुछ बेसिक सी पॉइंट्स हैं। स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंजियोलॉजी, ठीक है। एंजियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम अगर पूछा जाए तो हम बोलेंगे विलियम हार्वे, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ हार्ट, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कार्डियोलॉजी। जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। सो स्टडी ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड कार्डियोलॉजी। लॉजी वर्ड का मतलब ही होता है स्टडी करना, ठीक है। देन स्टडी ऑफ ब्लड, उसको बोला जाता है हीमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, एंड देन ब्लड के बारे में। ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लिम्फ, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसको फर्दर हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन से आप क्या समझेंगे कि ओपन में जो ब्लड फ्लो करता है वो ओपन स्पेसिस में फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पर जो ब्लड फ्लो करेगा वो किसमें? कुछ क्लोज चैम्बर्स में फ्लो करता है, ठीक है, दैट इज हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कुछ जो पतली पतली ट्यूब्स हैं उनके थ्रू ये फ्लो करता है। सो इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं कि ब्लड फ्लोज इन लार्ज एंड ओपन साइनसिस या फिर स्पेसिस, ओपन स्पेस में जो है वो ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ओपन स्पेस नहीं होते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लोज इन क्लोज चैम्बर्स, कुछ क्लोज चैम्बर्स होते हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है, दैट इज इन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो ब्लड यहाँ पे फ्लो करता है। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो हमारे अंदर कैसा सर्कुलेशन होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अगर ब्लड ओपनली फ्लो कर रहा है तो टिश्यूज के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा,
ठीक है, ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यूज़, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, ब्लड इज़ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टिश्यू, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट की बात करें, अगर ओपन, मान लो हमारे पास दो ट्यूब हैं, एक वाइड है एक नैरो ट्यूब है, तो जो वाइड ट्यूब जो होती है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा या कोई भी चीज़ फ्लो करेगी उसका जो प्रेशर होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू नैरो, ठीक है। सो ऐसा ही पॉइंट है ये भी कि द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर, बीपी स्टैंड्स फॉर ब्लड प्रेशर, इज वेरी लो। अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो स्पीड जो ब्लड प्रेशर की, ब्लड फ्लो की है, वो कैसी होगी, लो होगी, लेकिन यहाँ पे क्लोज के केस में स्पीड इज वेरी हाई। ये हाई स्पीड होने की वजह क्या है, हम ये बोलेंगे कि जो कैपिलरीज वगैरह हैं, ठीक है, जो थिन चैम्बर्स होते हैं, पतले पतले जो चैम्बर्स हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है, वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो जो ब्लड है उसको वो और तेज़ी से फ्लो करवाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। देन कहाँ पे होता है ये, आर्थ्रोपोडा में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ कहाँ होता है, आर्थ्रोपोड्स के केस में, जो लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का, देन इकाइनोडर्मेटा में भी एंड कुछ मोलस्का में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर क्लोज्ड की बात करें तो कोरडेटा जितने भी हैं उनमें होगा, देन एनेलिडा जिसका मेंबर होता है अर्थवर्म, इसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ मोलस्का एंड मेनली सिफेलोपोड्स होते हैं यहाँ पे, सिफेलोपोड्स, सिफेलोपोडा जो है इनके अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये एक्सेप्शन है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि इन सिफेलोपोड्स देर इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ऑल कॉर्डेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोग कैसे होते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। सो हार्ट आप जानते हैं कि बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी होता है, थिक होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है। सो थिक मस्कुलर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन, ठीक है, ध्यान रखना है, थिक मस्कुलर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन हार्ट होता है। देन इट इज़ ऑल्सो द ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी, आप जानते हैं कि ऑटोमेटिकली पंपिंग स्टेशन है, ऑटोमेटिकली पंप करता रहता है हार्ट। देन बिजिएस्ट ऑर्गन है, ये भी आप जानते हैं, ह्यूमंस की बात करें अभी उसके बारे में पढ़ेंगे भी हम, लेकिन हमारे अंदर हम देखें तो फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, देर आर टू ओरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स। सो फिशिज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे दो चैम्बर होते हैं, एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल। अगर डायग्रामेटिकली हम समझें तो ये एक ओरिकल हो गया, ये मान लो एक वेंट्रिकल हो गया, ओरिकल वेंट्रिकल, ठीक है। देर आर टू चैम्बर्स इन केस ऑफ फिशिज, सो द हार्ट इज टू चैम्बर्ड, टू चैम्बर्ड हार्ट है, वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल। वीनस हार्ट भी बोलते हैं, फिशिज का जो हार्ट होता है उसको वीनस हार्ट भी बोला जाता है, ठीक है। देन फिशिज के अंदर सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो एक ही बार पास होता है हार्ट से, ठीक है, ब्लड पासिस ओनली वंस थ्रू द हार्ट। लेकिन अगर हम ये बोलें कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट, ठीक है, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले जो ब्लड है वो हार्ट से सिर्फ एक बार पास होता है, उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन हमारे अंदर हम बात करें तो ब्लड जो है वो दो बार पास होता है, उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सो हार्ट ऑफ फिशिज पंप्स आउट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ ऑक्सीजनेटेड बाई गिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हार्ट जो है वो कैसा ब्लड पंप आउट करता है, डी ऑक्सीजनेटेड। अब डी ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड हमने पहले भी बताया था आपको कि आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि डी ऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ CO2 है, O2 बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डी ऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि CO2 की अमाउंट उस ब्लड में ज़्यादा है, O2 की कम है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है ऑक्सीजन जो है उसकी अमाउंट उस ब्लड में ज़्यादा है, CO2 की कम है, कम्प्लीटली अब्सेंट नहीं होती हैं वो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है कि जो हार्ट है
फिशेज का जो हार्ट है इट पंप्स आउट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाई गिल्स। गिल्स जो है उस ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देते हैं, ठीक है, और विच इज देन सप्लाई टू बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट से फिर अगेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप आउट कर दिया जाएगा हार्ट को, ठीक है। सो इस तरीके का सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। आप देख सकते हैं कि जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही बार हार्ट से पास हो रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, क्लियर है। देन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। थ्री चैम्बर कौन कौन से होंगे, टू ओरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल्स। दो ओरिकल जो हैं उनके बीच में एक पार्टीशन प्रेजेंट होता है, लेकिन वेंट्रिकल सिंगल होता है, उसमें कोई पार्टीशन प्रेजेंट नहीं होता। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये मान लो ओरिकल्स हैं और ये एक हो गया वेंट्रिकल्स, ये राइट ओरिकल, ये लेफ्ट ओरिकल, एंड ये हो गया एक वेंट्रिकल्स। ओरिकल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं आपस में, लेकिन वेंट्रिकल यहाँ पे सिंगल होता है। जो राइट वाली ओरिकल है इट रिसीव इम्प्योर ब्लड, ध्यान रखना है, राइट ओरिकल रिसीव इम्प्योर ब्लड, वेयर एज द लेफ्ट ओरिकल रिसीव्स प्योर ब्लड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट इन केस ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, लेकिन एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल का मेंबर है, लेकिन उसके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देर आर टू ओरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स इन केस ऑफ क्रोकोडाइल, ठीक है, एक्सेप्शन इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्रोकोडाइल देन बर्ड्स एंड मैमल्स के केस में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, आपको ध्यान रखना है फोर चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। यहाँ पे दो ओरिकल होंगे और दो ही वेंट्रिकल्स होते हैं। इस तरीके से अगर हम बनाना चाहें तो ये दो हो गए ओरिकल्स एंड देर आर टू वेंट्रिकल्स, दिस इज राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है और यहाँ पे डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ब्लड जो है इट विल पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस, ठीक है, ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डबल सर्कुलेशन एंड फोर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन, कि डबल सर्कुलेशन जो होता है वहाँ पे ब्लड मोर रैपिडली पास आउट करता है एज कम्पेयर टू सिंगल सर्कुलेशन। देन हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। सो ब्लड आप सभी जानते हो कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी का, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, बहुत सारे काम भी होते हैं। रेड कलर होता है ब्लड का, किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन आगे हम पढ़ाएंगे भी कि हीम प्लस ग्लोबिन से मिलके बना हुआ होता है। हीम जो है वो आयरन कंटेनिंग पार्ट है, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट होता है। एक हेल्दी एडल्ट में कितना हीमोग्लोबिन होता है वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ब्लड के बारे में देखते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, देन सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी है, ध्यान रखना है सॉफ्टेस्ट टिश्यू बॉडी का है। उसके बाद में ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म से ओरिजिनेट है। देन नेचर कैसा होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि, और ये ऑलरेडी पूछा हुआ भी है नीट में कि द नेचर ऑफ ब्लड इज, तो ऑप्शन मिलेंगे आपको एसिडिक, बेसिक, स्लाइटली अल्कलाइन एंड या फिर आपको कुछ और ऑप्शन दे दिया जाएगा, नन ऑफ द वो दे देंगे, ठीक है। सो जो ब्लड है इट इज़ ऑलवेज स्लाइटली अल्कलाइन, अल्कलाइन नेचर का होता है, और पीएच ध्यान रखनी है, पीएच इज 7.4। ब्लड की पीएच कितनी होती है ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है 7.4 इज़ द पीएच ऑफ ब्लड। एंड पीएच होती क्या है, तो आप सिंपली बोलेंगे कि पीएच इज़ ए मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है कितना बेसिक है वो हम कैसे बता सकते हैं, पीएच के बिहाफ पे बता सकते हैं। देन ब्लड को अगर हम डिवाइड करें सो मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा,
जो 55% एंड दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसका कंपोजिशन है 45%। जो प्लाज्मा है वो स्ट्रो कलर्ड का होता है, 90-92% जो है इसके अंदर वाटर होता है, बाकी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू एरिथ्रोसाइट्स जिसको आरबीसीज बोलते हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, देन ल्यूकोसाइट्स जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, एंड देन थ्रोम्बोसाइट्स जिसको प्लेटलेट्स भी हम बोलते हैं। सो यहाँ तक आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है कि एरिथ्रोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, तो आंसर इज आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स और ऑल्सो कॉल्ड डब्ल्यूबीसीज। आगे हम पढ़ाएंगे कि वाइट ब्लड सेल्स इनको क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे लैक हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो नहीं होता, इसलिए इनको वाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोला जाता है। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में जब देखते हैं तो प्लाज्मा के बारे में अभी हमने बताया कि मोस्टली जो है वो वाटर होता है, यहाँ पे स्ट्रो कलर का होता है प्लाज्मा, कंपोज ऑफ 90-92% वाटर, एंड प्रोटीन्स कितना बनाते हैं 6-8% अप्रोक्सीमेटली। ये आपके एनसीईआरटी से ली गई लाइन है एज इट इज़, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट से एज इट इज़ कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, आपके नीट एग्जाम में भी एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे, इनका फंक्शन काफ़ी बार पूछा गया है आपके नीट एग्जाम में। सो फाइब्रिनोजेंस, फाइब्रिनोजेंस क्या होते हैं, किस में हेल्प करते हैं, हम सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि फाइब्रिनोजेंस आर द लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन्स, ठीक है, सबसे बड़े होते हैं। देन दे हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ध्यान रखना है इसका फंक्शन कि फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में या फिर कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। देन ग्लोबुलिन्स, दे आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ग्लोबुलिन्स जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा एल्बुमिन्स, दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन्स, ठीक है, एंड हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ध्यान रखना है इन तीनों का फंक्शन कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, या फिर मैच द फॉलोइंग करके भी आपसे पूछ सकते हैं कि एक साइड ये तीनों दे दिया, एक साइड फंक्शन ऊपर नीचे करके दे सकते हैं वो आपसे। सो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। देन प्लाज्मा में इन प्रोटीन्स के अलावा कुछ आयंस भी, कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, लाइक सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, देन क्लोराइड आयन हो गए, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक टर्म है सीरम, सीरम क्या होती है, तो हम ये बोलेंगे कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम, बहुत ज़रूरी है ये डेफिनेशन भी याद रखनी है आपको, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, जिनको ब्लड कॉर्पसल्स भी बोला जाता है। ब्लड कॉर्पसल्स में क्या क्या इंक्लूडेड होंगे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। सो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आरबीसीज के बारे में। सो आरबीसीज आर रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड इन कलर होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, हमने क्या बताया अभी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है, जो पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, उस वजह से आरबीसीज आर रेड इन कलर। हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम इज द आयरन कंटेनिंग पार्ट एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट। हीम में जो आयरन होता है वो Fe2+ की फॉर्म में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आयरन इन हीम इज इन द फॉर्म ऑफ Fe2+ और ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं आपके नीट एग्जाम्स में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि हीमोग्लोबिन किस किस से मिलकर बनता है, आयरन के अंदर कौन सी फॉर्म होती है, ग्लोबिन के अंदर कौन सी फॉर्म होती है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो है हमारा रेड कलर का होता है ब्लड, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, CO2, इन गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अगर अडल्ट ह्यूमन जो है उसमें हीमोग्लोबिन की अमाउंट को अगर बताना हो, सो हम ये बोलेंगे कि मेल्स की केस में थोड़ा सा ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हम ये बोलेंगे कि 12-16 ग्राम
नॉर्मल होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी होती है, 12 से 16 ग्राम ऑन एन एवरेज बताया गया है, लेकिन फीमेल्स में हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू बॉयज़ कम होता है। उसका भी एक रीज़न होता है बायोलॉजिकली, क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वहाँ पे कुछ ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है। सो द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन फीमेल्स इज रिलेटिवली लेस एज कम्पेयर टू मेल्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। एरिथ्रोसाइट्स में फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स, इन वर्टिब्रेट्स की केस में जो RBCs हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। देन इन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स दे आर ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, वो ओवल शेप की होती हैं, ठीक है, अंडाकार शेप की होंगी एंड न्यूक्लिएटेड होती हैं, दे कंटेन्स ए न्यूक्लियस। वेयर एज इन केस ऑफ मैमल्स, अगर मैमल्स की बात करें सो RBCs जो होती हैं वो बाइकनकेव होंगी एंड इन्यूक्लिएटेड होती हैं, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान रखना है इन मैमल्स RBCs आर बाइकनकेव एंड इन्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस होती हैं, ध्यान रखना है आपको ये चीज़। देन इनका नंबर कितना होता है RBCs का, सो हम बोलेंगे कि 5 million to 5.5, ठीक है। वही बात है, हमने बताया कि इनका नंबर जो है वो मेल्स में ज़्यादा होता है, तो फीमेल की अगर बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अबाउट 4.5 million RBCs पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ये होता है फीमेल के अंदर। और अगर मेल्स की बात करी जाए तो वहाँ पे होता है 5.5 million, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि द लाइफ स्पैन ऑफ RBCs, RBC कितने दिन तक जो है वो सर्वाइव करती है, तो द आंसर इज 120 days। RBCs का लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 दिन का होता है, सो उसके बाद में वो RBCs डेड हो जाती हैं और उसके प्लेस में नई RBCs जो है वो बनती रहती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 120 दिन के बाद में सारी RBCs डेड हो जाएंगी, लगातार वो प्रोसेस जो है वो चल रही होती है, कुछ RBCs बनती रहती हैं, कुछ जो है वो डिजनरेट होती रहती हैं। स्प्लीन को बोला जाता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, जो है RBCs जो डेड हो गई वो कहाँ पे जाती हैं, स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs। और RBC बनती कहाँ पे हैं, RBCs आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर RBCs जो है वो फॉर्म हो जाती हैं। इतनी सारी बातें आपको बता दी हैं, सो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू द नंबर ऑफ जो RBCs हैं उससे, सो RBCs का नंबर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं पॉलीसाइथीमिया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ RBCs, ठीक है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ RBCs, उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, पॉलीसाइथीमिया। देन एनीमिया, आप समझते भी होंगे, आपने कई बार सुना भी होगा कि एनीमिया हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज इन द नंबर ऑफ RBCs, जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, एनीमिया। देन रोलेक्स फॉर्मेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होती है कि जो RBCs हैं दे आर अरेंज लाइक हीप ऑफ क्वाइंस, जैसे सिक्कों का ढेर होता है उस तरीके से RBCs जो है वो अरेंज हो जाती हैं और एक रोलेक्स बना लेती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशंस, द RBCs आर अरेंज्ड इन हीप ऑफ क्वाइंस, ठीक है, विच फॉर्म्स ए रोलेक्स, इट इज़ कॉल्ड रोलेक्स फॉर्मेशन। देन बात करते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स के बारे में, तो वाइट एज अ नेम इंडिकेट दे डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो कम्प्लीटली अब्सेंट होता है, सो दे आर कलरलेस और वाइट इन कलर। दूसरा हम क्या बोलेंगे कि दे आर जनरली लेस इन नंबर, RBCs का नंबर हमने देखा था कि 4.5 to 5.5 million पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर बहुत थोड़ा होता है और वो होता है, हम ये बोलेंगे कि अप्रोक्स 6,000 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। दे आर अमीबॉइड होती हैं एंड दे कंटेन्स न्यूक्लियस, सो दे आर ऑल्सो न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, रिलेटिवली लेसर इन नंबर, नंबर हमने बता दिया। देन
दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। आरबीसीज का लाइफ स्पेन हमने बताया था 120 डेज का, उसके बाद में वो डेड हो जाती हैं स्प्लीन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पेन बहुत ही कम होता है, कुछ 5 to 7 डेज हम बोल सकते हैं कि इतना सा ही इनका लाइफ स्पेन होता है। देन एक टर्म है TLC, आपने काफ़ी बार जब डॉक्टर के जाते हैं कोई बीमार हो जाता है सो वहाँ पे TLC का टेस्ट भी लिखते हैं वो, ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC का भी एक टेस्ट होता है। सो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डज द वर्ड TLC स्टैंड फॉर? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, विच मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ WBCs इन ब्लड, हमारे ब्लड में कितनी WBCs प्रेजेंट हैं उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, TLC, ध्यान रखना है आपको। देन आधा डॉक्टर तो आपको मैं यहाँ पढ़ाते ही बना दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देन अगली जो टर्म है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपीनिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ल्यूकोसाइट्स जो है वो एब्सेंट हो गई हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो गई है, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपीनिया, डेफिशिएंसी ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एंड द क्लिनिकल कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोसाइटोपीनिया, ठीक है। देन WBCs कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स, कई कई बार क्या होता है कि WBCs जो है वो ब्लड वेसल से ही बाहर निकल आती हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डायपिडेसिस। डायपिडेसिस क्या होता है, WBCs कम्स आउट या फिर इमर्ज आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, सो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, डायपिडेसिस, ठीक है। देन WBCs के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, उसके बेसिस के ऊपर दो तरीके की हो सकती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स एज द नेम इंडिकेट इट कंटेन्स ग्रेनुल्स, इसके अंदर ग्रेनुल्स होते हैं, ठीक है। द साइटोप्लाज्म ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स इज ग्रेनुलर, वेयर एज ए ग्रेनुलोसाइट्स दे डू नॉट कंटेन ग्रेनुल्स, वहाँ पे ग्रेनुल्स नहीं होते। आगे हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं किस किस तरीके से, ईओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, इसके तीन टाइप होते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स आर फर्दर टू टाइप्स की होती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। सो ग्रेनुलोसाइट्स एज द नेम इंडिकेट दे कंटेन्स ग्रेनुल्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि द साइटोप्लाज्म ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स इज ग्रेनुलर, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे, ठीक है। देन इसके टाइप्स देखते हैं, सबसे पहला है एसिडोफिल्स या फिर ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल या फिर एसिडोफिल इसको बोला जाता है। सो इनका कई बार परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, सो हम ये बोलेंगे कि ईओसिनोफिल्स आर 2 to 3% ऑफ TLC, TLC में से 2 to 3% जो हैं वो एसिडोफिल्स या फिर ईओसिनोफिल्स होते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में पूछा जा चुका है, मैच द फॉलोइंग करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एक साइड दे देंगे ईओसिनोफिल, बेसोफिल, देन न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इस तरीके से, और दूसरी साइड आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आपको मैच करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, एसिडोफिल या फिर ईओसिनोफिल्स दे आर 2 to 3% ऑफ TLC। न्यूक्लियस जो है वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि न्यूक्लियस कंटेन्स 2 lobes, इस तरीके से हम बोलेंगे कि जो न्यूक्लियस है इट इज़ बाइलोब्ड, दो लोब होते हैं, एक तो ये लोब हो गई, दूसरी ये लोब हो गई, ठीक है। देन दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं ईओसिनोफिल्स, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एलर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है कि ड्यूरिंग एलर्जी विच टाइप ऑफ WBCs आर इन्वॉल्व्ड, सो दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एलर्जी, एलर्जी से कौन प्रोटेक्ट करती हैं आपको, ईओसिनोफिल्स, एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑल्सो, पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं। कैसे, एलर्जी के टाइम पे ये सिक्रीट कर देती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स आर सिक्रेटेड एट द टाइम ऑफ एलर्जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। देन इन पैरासिटिक इन्फेक्शन, जब पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है तब क्या होता है, दे विल एक्ट ऑन लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स का दूसरा नाम आप जानते हो सुसाइडल बैग्स, जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं, सो दे विल एक्ट ऑन लाइसोसोम्स एंड सिक्रेट एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं विच डिजोल्व द वॉल ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है आपको कि ड्यूरिंग एलर्जी दे सिक्रेट हिस्टामिन्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। देन बात करते हैं बेसोफिल्स की, इनका नंबर कितना होता है, बहुत ही कम होता है, हम ये बोलेंगे 0.5 to 1% ऑफ TLC, द नंबर ऑफ बेसोफिल्स इज 0.5 to 1% ऑफ TLC। न्यूक्लियस जो होता है वो एस शेप का होता है, न्यूक्लियस इज एस शेप्ड हैविंग 2 to 3 लोब्स, दो लोब भी हो सकती हैं और 3 लोब भी हो सकती हैं। आपकी NCERT की बुक में पूरा एक डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है ईओसिनोफिल, बेसोफिल, देन न्यूट्रोफिल, इन सभी के बारे में, उनकी लोब्स भी वहाँ पे दिख रही हैं। देन बेसोफिल्स सिक्रेट हिस्टामिन, हिपेरिन जो कि एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी होता है, एंड सीरोटोनिन, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बेसोफिल्स क्या क्या सिक्रेट करती हैं, हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सीरोटोनिन, और जहाँ ये सब आ गए तो मतलब कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन से रिलेटेड है, दे आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, और बेसिकली दे इंक्रीज द इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन को वो इंक्रीज कर देते हैं। देन न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात करें, सो न्यूट्रोफिल्स का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा होता है, 60 to 65% जो है दे आर मोस्ट अबंडेंट, दिखा रखा है 60 to 65%। न्यूक्लियस के अंदर सबसे ज़्यादा लोब्स यहीं पे होती हैं, न्यूक्लियस इज 3 to 5 और मोर लोब्स, देखो लिख रखा है ना कि न्यूक्लियस के अंदर 3 या 5 भी लोब हो सकती हैं या इससे ज़्यादा भी लोब्स हो सकती हैं। देन मोस्ट एक्टिव जो WBCs हैं, डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स बाई फैगोसाइटोसिस, सो ऑल्सो नोन एज माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दे आर द न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एक्टिव WBCs विच डिस्ट्रॉय द जर्म्स बाई फैगोसाइटोसिस, जो जर्म्स होते हैं उनको फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं और वो उनको किल कर देती हैं, सो इसलिए इनको माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड कहा जाता है, ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, सो देयर साइटोप्लाज्म इज नॉन ग्रेनुलर, ठीक है, इसके टाइप्स देखते हैं, मेनली दो टाइप के होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट WBCs, ये आपको ध्यान रखना है, लार्जेस्ट WBCs आर द मोनोसाइट्स। देन द न्यूक्लियस इज बीन शेप्ड, बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड जो है वो न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। उसके अलावा इनको मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड कहा जाता है, क्यों, बिकॉज दे ऑल्सो किल द जो एजेंट्स होते हैं डिजीज कॉज करने वाले, उनको वो किल कर देते हैं बेसिकली, सो दे आर कॉल्ड मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। इससे पहले हमने माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड की बात की थी, जो कौन था, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, दे ऑल्सो डू द फैगोसाइटोसिस, ये भी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस जो है वो शो करते हैं, सो इसलिए इनको मैक्रो पुलिसमैन कहा जाता है। मैक्रो क्यों लगाया है, बिकॉज दे आर लार्जेस्ट WBCs। देन दे फैगोसाइट्स डेड ब्लड कॉर्पसल्स, डेड ब्लड कॉर्पसल्स को फैगोसाइट करते हैं, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केवेंजर्स ऑफ ब्लड, इनके लिए एक नाम और यूज किया जाता है, स्केवेंजर्स ऑफ ब्लड, ठीक है, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड एंड स्केवेंजर्स ऑफ ब्लड। देन लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो दे आर द स्मॉलेस्ट वन, दो तरीके की हो सकती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग होती हैं, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। टी लिम्फोसाइट्स अलोन दे डू नॉट फॉर्म एंटीबॉडीज, बट दे हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंटीबॉडीज। मैंने क्या बोला कि दो तरीके की हो सकती हैं लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन वो हेल्प करती हैं बी लिम्फोसाइट की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करें, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो पेरिफेरल होगा, और साइटोप्लाज्म पेरिफेरल है तो लेस इन अमाउंट होगा, मतलब क्या हुआ कि जो साइटोप्लाज्म है अंदर का मटेरियल वो पेरिफेरी पे मूव कर जाता है, ठीक है। दो तरीके की हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो प्रोवाइड करती हैं, हम ये बोल सकते हैं कि दे प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देन प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, इनका नंबर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, सो 150,000 to 350,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ इनका जो नंबर होता है, ये नंबर कई बार कम हो जाता है इन केस ऑफ
डेंगू, चिकनगुनिया और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें जो प्लेटलेट काउंट है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि इनका नंबर जो ऑन एन एवरेज कितना होता है। देन दे आर द सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स क्या होती हैं? दे आर स्पेशल सेल इन बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर कुछ स्पेशल सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनको मेगा कैरियोसाइट्स कहा जाता है। इनसे ही प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो बनते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेटलेट्स रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली शायद यही लिखा हुआ है कि प्लेटलेट्स दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, लेकिन ध्यान रख के रखना है कि प्लेटलेट्स रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। आगे हम नेक्स्ट क्लासेज में ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो, आज की क्लास में हमें यहीं तक डिस्कस करना है। आपको कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।